डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड ब्रायोफाइट एल्गी एंड लाइकेन में सेक्सुअल रिक्सिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डॉर्सल साइड की कि कोई भी शीर्षक कोशिका यानी डॉर्सल साइड पर जहाँ पर जहाँ डॉर्सल साइड है, जैसे हम लोगों को पता है कि यहाँ डॉर्सी वेंट्रल इसका थैलस होता है, इसके दो साइड्स होते हैं डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड पर जो एपिकल सेल के पास डॉर्सल साइड पर उसकी एपिकल सेल के पास तीन कोशिकाएं पीछे की ओर एंथ्रिडियल या आर्चिगोनल इनिशियल बनाने के लिए कोई भी मीडियन ग्रूव के पास में कोई भी सरफेस सेल जो होती है वो सेल उसका साइज अपने आप में बड़ा आकार में वृद्धि कर लेती है और वो सरफेस सेल ही आर्चिगोनियल इनिशियल कहलाती है। और इस प्रकार का ये डिवीजन जो है परिवर्धन जो है वो प्रस्थीय परिवर्धन या सरफेस डेवलपमेंट कहलाता है। अब जो ये आर्चिगोनियल इनिशियल ये हमारी बनी, इस आर्चिगोनियल इनिशियल में ये कहाँ है, डॉर्सल साइड की मीडियन ग्रूव के पास की कोई भी सेल ने साइज को बड़ा कर लिया अपने और आर्चिगोनल इनिशियल बन गई। इस आर्चिगोनल इनिशियल से में ट्रांसफर विभाजन हुआ होगा और ट्रांसफर विभाजन करके ये दो सेल बनाएगी, आउटर सेल और बेसल सेल। बेसल सेल से नाम से पता है जैसे बेस की तरफ नीचे की तरफ होती है, ये आर्चिगोनिया का आधार बनाती है और ये आगे डिवाइड नहीं होती है। और थैलस में यही पार्ट जो होता है इसका एम्बेडेड रहता है, अंदर की ओर धंसा रहता है। अब हमारी ये एक फर्स्ट ऊपर की सेल जो रहेगी आउटर सेल, इस आउटर सेल में ये मेन बॉडी जो होती है वो आर्चिगोनिया का बनाती है और इस प्रकार से ये कोशिका ही आर्चिगोनल मदर सेल कहलाती है। इस कोशिका में उत्तरोत्तर तीन डिवीजन होते हैं। फर्स्ट जैसे हम देखेंगे ये आर्चिगोनल इनिशियल है, ट्रांसफर डिवीजन करके बेसल सेल ये इसका एम्बेडेड पार्ट होगा। आउटर सेल आर्चिगोनल मदर सेल बनाती है, इसमें तीन एक दूसरे के उधर डिवीजन होते हैं और इस प्रकार से थ्री सेल्स का उत्तरोत्तर तीन डिवीजन होंगे, यानी तीन उधर व तिरछे दूसरे को काटते विभाजन होते हैं और उससे थ्री पेरिफेरल सेल का निर्माण होता है। तो बाहर की तरफ जो होती है ये बाहर की तरफ ये हो गया पेरिफेरल सेल और अंदर की तरफ सेल जो होती वो प्राइमरी एक्साइल सेल का सेल बनाती है। तो यानी तीन पेरिफेरल सेल से एक बीच वाली प्राइमरी एक्साइल सेल जो होती है वो सराउंडेड रहती है। अब आगे पेरिफेरल सेल जो होती हैं वो विभाजन करके क्या बना देती हैं, इसी का प्राइमरी जो पेरिफेरल सेल थी उन्हें डिवीजन करके आर्चिगोनियल का जैकेट का निर्माण कर दिया, जबकि बीच की जो एक्साइल सेल थी वो उसकी आर्चिगोनिया की कैविटी में एक्साइल रो ऑफ सेल बनाने का निर्माण करती है। तो मतलब प्राइमरी हमने ये देखा कि तीन उधर डिवीजन हुए, थ्री पेरिफेरल सेल और सेंट्रल एक्साइल सेल। थ्री पेरिफेरल सेल ने प्रत्येक में रेडियल अनुदैर्ध्य डिवीजन होंगे और थ्री जैकेट और उससे जैकेट का निर्माण होगा और सेंट्रल एक्साइल सेल जो होगी वो डिवाइड होके क्या बनाएगी, अंदर की तरफ उसी से ही वो एक्साइल रो ऑफ सेल का निर्माण होता है। इस प्रकार से थ्री पेरिफेरल सेल जो होती है वो हर कोशिका एक दूसरे की एंटीकाइनल डिवीजन उसमें होगा और सिक्स जैकेट इनिशियल्स का निर्माण करती है और ये ही विभाजन करके दो ट्रांसफर डिवीजन होंगे इसमें और दो टायर्स बन जाएंगे। सिक्स जैकेट इनिशियल सेल से ट्रांसफर डिवीजन हुए, दो सेल्स बन गए और उन दो सेल्स में से फर्स्ट जो होगा दो सिक्स सिक्स सेल्स के दो ग्रुप बन गए, उसको एक को तो एक ग्रुप को तो कहेंगे नेक इनिशियल और नीचे वाला जो होगा वो वेंट्रल इनिशियल कहलाएगा, यानी पेरिफेरल सेल जो होती है वो डिवाइड होकर नेक इनिशियल और वेंट्रल इनिशियल का निर्माण करती है। ये अब आगे नेक इनिशियल सेल जो होती है बारंबार ट्रांसफर डिवीजन होंगे इसमें और ट्रांसफर डिवीजन होके एक लंबी ट्यूबुलर आर्चिगोनिया की नेक का निर्माण करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें टोटल सिक्स सेल्स प्रेजेंट होती है। नेक इनिशियल से डिवीजन होके सिक्स टू नाइन लॉन्ग नेक बन जाएगा जिसमें ट्रांसफर डिवीजन होते हैं और नेक सेल से नेक्स्ट नेक का निर्माण होता है। नेक्स्ट में हमने देखा था कि सिक्स पेरिफेरल सेल्स में
जो अपर टायर जो था उसने तो नेक बना दिया, और लोअर टायर जो का उससे सिक्स वेंट्रल सेल्स बनती है, उनमें लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन एंड एंटीगाइनल डिवीजन होते हैं, और उससे जैकेट बनती है, और ये वेंट्र की जैकेट का निर्माण करती है। इस प्रकार से इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स 12 to 20 सेल्स होती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वेंट्रल इनिशियल है, और वेंट्रल इनिशियल जो होती है इसमें सेल में डिवीजन हो रहे हैं, ये नीचे वाला वेंट्रल सेल है, वेंट्रल सेल डिवाइड होकर 6 to 12 to 20 सेल वेंट्रल जैकेट का निर्माण करती है। इस प्रकार से जो एक्साइल सेल है इससे जो ये होगी एक्साइल सेल, और वेंट्र की जो जैकेट जो होती है इससे जो आर्चिगोनिया की जैकेट का परिवर्तन साथ साथ होता रहता है, यानी एक्सिलरी सेल जो होती है ये भी डिवाइड होती रहेगी, और इसके साथ में यहाँ पर इसकी जो जैकेट का भी निर्माण साथ साथ में हो जाता है। इस प्रकार से एक कोशिका में, अब इस कोशिका में एक्साइल सेल के अंदर जो है असीमित अनुपस्थ विभाजन होता है, इससे ये डिवाइड होकर अब ये सेंट्रल एक्साइल सेल है अंदर वाली, ये वाली सेंट्रल एक्साइल सेल है, उस सेल के अंदर डिवीजन होकर प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल का निर्माण होगा। यानी ये एक्साइल सेल अंदर वाली थी और पेरिफेरल सेल ने तो नेक्स्ट इनिशियल और वेंट्रल इनिशियल बना दिया। अब ये जो एक्साइल सेल जो होती है वो दो सेल का निर्माण करती है, अपर वाली सेल बनाएगी प्राइमरी कवर सेल और नीचे वाली बनाएगी सेंट्रल सेल का निर्माण करती है। तो हम देखते हैं कि प्राइमरी कवर सेल बन गई अपर सेल, और लोअर सेंट्रल सेल का निर्माण होता है। अब क्या होता है, प्राइमरी कवर सेल जो है ऊपर की तरफ डिवाइड होकर प्राइमरी कवर सेल समकोण पर दो डिवीजन होंगे, और उससे दो कवर सेल, उसके बाद एक तो उससे कवर सेल बन जाएगी और उसके नीचे एक सेंट्रल सेल का निर्माण होता है। और इस प्रकार से जो कवर सेल हैं एक दूसरे के समकोण में दो डिवीजन करती है, और उसी से ही फोर कवर सेल का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं चौकोर रूप में विन्यासित होती हैं, और ऊपर की तरफ, ये जैसे ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अपर की तरफ कवर सेल का निर्माण हो गया, और ये सेल किससे बनी है, सेंट्रल सेल की अपर वाली प्राइमरी कवर सेल ने ही कवर सेल का निर्माण किया है। अब उसके बाद जो सेंट्रल सेल होती है, लोअर सेंट्रल सेल है, उसमें ट्रांसवर्स सेल डिवीजन हुए और वो दो कोशिकाएं बनाएगी, और अपर और लो वेंट्रल सेल बनाएगी। इसमें दोनों ही आकार में समान नहीं होती, ऊपर वाली कोशिका तो यह वाली जो सेंट्रल सेल है वो ट्रांसवर्स सेल डिवाइड होगी, अपर प्राइमरी इससे बनेगा प्राइमरी नेक कैनाल सेल, और दूसरी वाली बनाएगी प्राइमरी वेंट्रल सेल का निर्माण करती है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर डायग्राम में हमको दिख रहा है कि यहाँ पर नेक इनिशियल बन गए वेंट्रल शीट, तो वो तो पेरिफेरल से बनेंगे, सेंट्रल सेल डिवाइड होके प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल डिवाइड होकर नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल का निर्माण कर रही है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो होती है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, और लगभग चार, यहाँ पे प्राइमरी जो नेक कैनाल सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो गए, उससे लगभग 4 to 6 एनसीसी का निर्माण होता है, एक पंक्ति में चार विभानाल कोशिकाओं का निर्माण होता है। और प्राइमरी वेंट्रल सेल जो होगी, ये वाली जो अंदर वाली जो सेल थी, ये नीचे वाली जो, उसने वेंट्रल सेल जो थी उसने डिवीजन करके ट्रांसफर डिवीजन होगा उसमें, और दो इररेगुलर सेल्स का निर्माण होता है, अपर एंड लोअर। अपर सेल जो होती है उससे तो वेंट्रल कैनाल सेल बनती है, और नीचे से एग सेल का निर्माण होता है। इस प्रकार से वही एग बनता है। तो यहाँ पर वेंट्रल कैनाल सेल ने एग बना दिया। इस प्रकार से जब जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है आर्चिगोनिया का, उसी तरीके से जो इनिशियल्स जो होती हैं उसकी थैलस की कोशिका भी सक्रिय होकर विभाजित होकर उसको विभाजित होने लगती हैं। तो इस प्रकार से एक एंथ्रेडियल चैम्बर की तरह ही एक जो आर्चिगोनल चैम्बर का निर्माण होता है, और उसमें स्त्रीधानी के उभरे हुए भाग को छोड़कर शेष भाग उसमें दसा रहता है। यहाँ जैसे आर्चिगोनल चैम्बर बना था, इसे एंथ्रेडियल चैम्बर बना था, इसी तरीके से आर्चिगोनल चैम्बर इसलिए बना क्योंकि इसके चारों तरफ की सेल भी विभाजित होकर डिविजन कर रही है, तो एक प्रकार का आर्चिगोनल चैम्बर बन गया। उसमें ये सारा पार्ट जो है वो थैलस के अंदर एम्बेडेड रहता है, केवल नेक जो होती है वो बाहर की तरफ निकली होती है, और उसके ऊपर दो कवर सेल होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्चिगोनिया का जो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया कैसा हुआ। उसमें हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि आर्चिगोनल इनिशियल बनेगी, ट्रांसफर डिवीजन होंगे उसमें,
पहले सेल बेसल सेल बनाएगी और नीच आउटर सेल बनाएगी। अपर आउटर सेल जो होती है वही आर्टिकुलर मदर सेल कहलाएगी। उनमें डिवीजन होंगे, उससे बाहर की तरफ पेरिफेरल सेल और अंदर की तरफ सेंट्रल सेल बनेगा। अंदर सेंट्रल सेल जो होगी, प्राइमरी पेरिफेरल सेल जो होती है उससे जैकेट इनिशियल बनते हैं, उससे वेंट्रल की जैकेट और नेक जैकेट का निर्माण होता है। और जो सेंट्रल सेल है अंदर वाली, उससे अपर प्राइमरी कवर सेल और लोअर सेंट्रल सेल बनती है। कवर सेल से फोर कवर सेल्स बन जाएंगी और सेंट्रल सेल डिवाइड होकर प्राइमरी नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल का निर्माण करेगी। अब इसमें जो नेक कैनाल सेल है उससे तो सिक्स सेल नेक सिक्स फोर टू सिक्स एनसीसी का निर्माण होता है, और जो वेंट्रल प्राइमरी वेंट्रल सेल है वो डिवाइड होकर वेंट्रल कैनाल सेल अपर वेंट्रल कैनाल सेल बनाएगी और नीचे की तरफ एग सेल या ओवम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जब हम एक परिपक्व एक डेवलप्ड आर्चिकुलिया देखते हैं तो उसके अंदर एक क्या है, ये फ्लास्क की जैसी रचना है जो एक छोटी सी स्टॉक के आधार पर स्टॉक के साथ जो होता है उसके अंदर थैलस के अंदर एम्बेडेड रहती है। इसका ऊपर वाला सिरा जो होता है लंबा है और सकरा है और इसका नीचे वाला भाग फूला हुआ गोलाकार होता है। ग्रीवा जो होती है उसको नेक को पूरी तरफ से बाहर की तरफ से जैकेट ने एक वन सेल वन लेयर सेल जो होती है इसने जकड़ा हुआ है और उसमें लगभग फोर सिक्स टू नाइन सेल्स होती हैं। और उधर दिशा में लंबाई इसकी उधर दिशा में इस जैकेट की कोशिकाओं की अधिक लंबाई ली होती है। और जैकेट जो होता है वो सकरी नलिका को घेरे रहता है और उसमें फोर नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। और इसी तरीके से ऊपर की तरफ फोर कवर सेल्स प्रेजेंट होंगी और बीच का पोर्शन जो फूला हुआ भाग है वो वेंट्रल पार्ट कहलाएगा। उसमें वेंट्रल कैनाल सेल वेंट्रल पार्ट जो है उसके अंदर डेवलप जो होता है वो एग प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से ये हम डेवलपमेंट को हमने देखा, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्चिकोनिया। थैंक यू।